दोस्तों यस बैंक की अगर बात करें तो आज हमने थोड़ी सी गिरावट देखी, लेकिन इस गिरावट के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। बहुत ही ज़बरदस्त तेजी बनी थी, स्टॉक ने नई हाई बना दी थी और इसके बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। यहाँ पे आप देखोगे तो ARC को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या है ARC की गठन का पूरा ये मामला, क्या जल्दी ARC बनने वाली है या फिर इसमें भी कोई ट्विस्ट है? अगर आप देखें तो ARC के बाद में यस बैंक बिल्कुल पूरी तरह से नए सिरे से शुरुआत करने को तैयार हो जाएगी। जो उसका पुराना NPA वो सारा जीरो हो जाएगा और आने वाले समय में यस बैंक कुछ अच्छा करते हुए दिखाई देगी। वैसे अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों से लगातार यस बैंक कुछ नए स्टेप उठा ही रहे, हर स्टेप के बाद में यस बैंक बेटर अपने आप को साबित कर रही है। आपने देखा होगा कि लगातार नई टेक्नोलॉजी को आजमाया जा रहा है, बहुत सारे बिजनेस टाइप किए जा रहे हैं और नतीजा यह है कि यस बैंक की चर्चा हर जगह पे हो रही है और जो लोग यस बैंक के बारे में बात नहीं करते थे अब वो यस बैंक के बारे में बात करने लगे। बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट जो लगातार यस बैंक को अवॉइड करते थे, उसके बारे में कहते थे ये कचरा स्टॉक है, वही अब कह रहे हैं कि यस बैंक में खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको लगातार बोला कि यस बैंक मजबूत है और आने वाले समय ये अपने आप को साबित करेगी। अब ये जाके साबित हुई है बात, लेकिन ये बात तो मैं पहले आपको कई बार समझा चुका और लगातार कह रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से। आप देख सकते हो यस बैंक ने लगातार अच्छे रिजल्ट भी दिखाए और इसके दम पे कह सकते हैं कि यस बैंक काफ़ी मजबूत हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छी अच्छी रेटिंग भी मिल रही है, तो क्या यस बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए इस लेवल पे, क्योंकि ये प्राइस फिर से हमें देखने को मिले न मिले। अगर आज की बात करें तो यस बैंक का स्टॉक 17.85 पर ओपन हुआ, 17.30 का इसने लो भी बनाया, 18.20 का हाई भी देखने को मिला और अंत में क्लोजिंग 17.55 पर रही, जहाँ पे 1.13% की हमने गिरावट देखी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने रिसेंटली 18.20 का हाई बनाया, क्योंकि इससे पहले जो हाई था वो 17.90 का, उसको ब्रेक करके 18.20 का बनाया। लेकिन अभी भी वो 20.85 का जो हाई है जो इसने 1.5-2 साल पहले बनाया था, वो अभी हमें उसको मिस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बार उस लेवल को इसने छू लिया तो फिर स्टॉक रॉकेट की गति से आगे जा सकता है। इसके वॉल्यूम को अगर हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 31 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 22 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ काफ़ी पॉजिटिव हो चुका है। अगर हम पूरे बाजार की बात करें तो निफ्टी 50 आज 17,833 के स्तर पर क्लोजिंग दिए, जहाँ पे 0.19% की तेजी थी। बड़ी तेजी नहीं थी लेकिन फिर भी अच्छी तेजी थी। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि FI ने आज जमकर बाजार में खरीदारी की है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 40,415 के स्तर पर क्लोजिंग रही, 0.51% की तेजी थी निफ्टी बैंक में भी, 0.5% की। निफ्टी PSU बैंक की बात करें तो 3,134 के स्तर पर क्लोजिंग रही, 0.48% की तेजी थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 20,720 के स्तर पर क्लोजिंग रही, 0.57% की तेजी थी। लगभग दोनों ही जगह पे, या पे सरकारी बैंक लो या प्राइवेट बैंक ले लो, तो आप एक ही जगह देखोगे कि 0.5% की हमने तेजी देखी है, लेकिन यस बैंक के स्टॉक में हमने गिरावट देखी। दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा जेसी फ्लावर्स फाइनल बीडर है ARC के गठन के लिए, लेकिन इसके बीच में सेरेबस कैपिटल की तरफ से भी बीड लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। उन्होंने दूसरों के साथ में बिजनेस टाइप भी किया था ताकि आने वाले समय में वो एक मजबूत प्रबल दावेदार बन के उभरे, लेकिन अब जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके हिसाब से उन्होंने अपनी बीड लगाई नहीं है, यानी उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया है, यानी आने वाले समय में जो बीडर्स हैं वो सिर्फ जेसी फ्लावर्स ही रहेंगे। तो ये फैसला उन्होंने क्यों किया इसके बारे में अभी तक कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं आया, नहीं जेसी फ्लावर्स की तरफ से भी कोई बयान निकल कर आया और नहीं यस बैंक ने भी इसके ऊपर कुछ भी कहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर आप देख सकते हो कि यानी जो फाइनल बीडर है वो अब जेसी फ्लावर्स ही रहेंगे, 48,000 करोड़ रुपीज़ की जो बीड थी उससे वो बाहर हो गए। जल्दी यस बैंक जेसी फ्लावर्स को विनर के रूप में डिक्लेयर भी कर देंगे। जेसी फ्लावर्स यहाँ पे 11,183 करोड़ रुपीज़ टोटल यस बैंक को चुकाएगी और उसमें से भी 85% तो बकाया उसकी सिक्योरिटी रिसिप्ट मिलेगी, 15% उसको अपफ्रंट देना होगा। इस ARC के गठन में आप देख सकते हो कि 20% की स्टेक यस बैंक मिलेगी, जिसके लिए यस बैंक 350 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। पहले काउंटर ऑफर्स के लिए 29 अगस्त की डेट थी, उसको बढ़ा के फिर बाद में 7 सितंबर कर दिया गया था, लेकिन आप देख सकते हो कि सेरेबस कैपिटल ने अपनी यहाँ पे बोली नहीं लगाई है और उन्होंने एक तरह से ड्रॉप आउट कर दिया यहाँ से। तो आने वाले समय ये पूरी तरह से जो बीडिंग प्रक्रिया है वो एक तरफ जाती हुई दिखाई देगी, यानी जल्दी जेसी फ्लावर्स को ये बीडिंग प्रक्रिया में विनर की तरह घोषित किया जाएगा। आप देख सकते हो कि फिलहाल 15% नहीं उसको रकम चुकानी, यानी 1,677 करोड़ रुपीज़ की रकम चुकाई जाएगी यस बैंक को और बाकी की जो 85% रकम बचेगी वो जैसे जैसे उनके जो डिफॉल्टर से वसूल की जाएगी उनको यस बैंक को लौटाई जाएगी। आप देख सकते हो इसमें बड़े बड़े ग्रुप है, जिसमें SL ग्रुप है, रेडियस ग्रुप है, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप,
ऐसे बहुत सारे जिनसे डिफॉल्ट किया हुआ है पैसा और उनसे रिकवर करना है, ये जैसे जैसे रिकवर होगा येस बैंक को मिलेगा और येस बैंक की एक नई शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पे देखें तो येस बैंक को लगातार अच्छी रेटिंग मिल रही है क्योंकि येस बैंक में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आने वाला है। दो बड़े इन्वेस्टर है जो यहाँ पे निवेश करने जा रहे हैं, करीब 9,000 करोड़ रुपीज़ का निवेश आने वाला है, उसके बदले में उनको 10% की स्टेक दी जाएगी और इसी वजह से रेटिंग एजेंसियाँ लगातार रेटिंग को बढ़ा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिसिल की तरफ से, इंडिया रेटिंग की तरफ से रेटिंग को बढ़ाया गया। यहाँ पे टीयर टू बॉन्ड्स की जो रेटिंग थी और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की जो क्रिसिल ने रेटिंग थी ए माइनस थी, उसको क्रिसिल ने बी प्लस ट्रिपल बी प्लस कर दिया है और जो जो उसका आउटलुक था उसको भी समझ सकते हो कि स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया। तो आप समझ सकते हो रेटिंग लगातार अच्छी बन रही है और यहाँ पे इंडिया रेटिंग की तरफ से भी रेटिंग को काफ़ी ज़्यादा सुधारा गया है। पहले जो रेटिंग थी ट्रिपल बी उसको ए माइनस कर दिया गया है और आउटलुक को स्टेबल कर दिया गया, तो रेटिंग लगातार बढ़ रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है और इसीलिए येस बैंक काफ़ी मजबूत हो रही है। आने वाले समय और हमें शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा क्योंकि कंपनी क्वार्टर वन के रिजल्ट में हमने ये देखा है हमने कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट था, क्वार्टर टू उससे भी बेहतर होने की हम पूरी अपेक्षा कर सकते हैं। तो ये स्टॉक में अब तेज़ी की शुरुआत होने वाली है, जल्दी ये 20 को क्रॉस करेगा क्योंकि लगातार अपना एनपीए भी रिकवर कर रही है। आप देख सकते हो एनपीए में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, पहले 15.60% था जो अब जून क्वार्टर में इनका टोटल जो ग्रॉस एनपीए है वो सिर्फ 13.45% पर आ गया। नेट एनपीए की बात करें तो वो भी 5.78% गिर के 4.17% पर आ गया, तो लगातार एनपीए कम हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बाज़ार के लिए सबसे अच्छी बात यह कि एफआई बाज़ार में फिर से ज़बरदस्त खरीदारी शुरू कर चुके हैं। अगर आज की बात करें तो आज एफआई ने बाज़ार में 6,853 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने उन्होंने 4,721 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो खरीदारी आज वो 2,132 करोड़ रुपीज़ की निकल कर आई है प्योर। लेकिन हमारे बड़े फंड हाउस ने आज प्रॉफिट बुकिंग की है। बड़े फंड हाउस की बात करें तो आज उन्होंने 5,606 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने उन्होंने 6,773 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो बिकवाली निकल के आ रही है वो 1,167 करोड़ रुपीज़ की है। कल की बात करें तो कल भी बहुत ही शानदार खरीदारी की थी एफआई ने, कल एफआई ने करीब 2,913 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया था और सामने हमारे बड़े फंड हाउस ने 212 करोड़ रुपीज़ की पिकवाली की थी। तो ये आप देख सकते हो कि बाज़ार में एफआई फिर से सक्रिय हो चुके हैं और जिसके दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय बाज़ार में एक तरफा तेजी होगी। इसके पीछे दो और भी बड़ी अच्छी वजह यह है कि जो हमारा इंडियन रुपीज है वापस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका है और ऊपर के लेवल से धीरे धीरे यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी आनी शुरू हो गई है और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से इंडिया में फिर से डॉलर का फ्लो शुरू हो गया है आने वाले समय इंडियन रुपीज़ फिर से मजबूत हो जाएगा और ये 79 से भी नीचे उतर सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल की प्राइस लगातार नीचे आ रही है, इससे समझ में आ रहा है कि आज आने वाले समय में जो मंदी का दौर था वो अब नहीं आएगा और जो माहौल था वो पॉजिटिव बनता शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में आपको येस बैंक में भी तेजी आती हुई दिखाई देगी। लोगों का जब बिजनेस बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी बिजनेस बढ़ाने के लिए। ऐसे में लोन के लिए बैंकों के पास जाएंगे। येस बैंक के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके लिए आप देख सकते हो कि उनको बिल्कुल पेपरलेस टेक्नोलॉजी के आधार पर लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, नए अकाउंट भी खोल के दे रहे हैं और इसीलिए येस बैंक दूसरों से हटके है और इसीलिए आने वाले समय येस बैंक में डेफिनेटली हमें अच्छी तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। एक बार इसके टेक्निकल इंडिकेटर भी चेक कर लेते हैं। अगर हम मंडे के हिसाब से देखें तो मंडे को क्या पोजिशन रह सकती है। मूविंग एवरेजेस फिलहाल स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है। मोमेंटम ऑस्किलेटर्स बाय की कॉल निकल के आ रही है। ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल। इसका मतलब इंडिकेटर कह रहे हैं कि मंडे से हमें बाजार में फिर से तेजी देखने को मिलेगी और येस बैंक का स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अगर हम वीकली लेवल पर देखें तो मूविंग एवरेजेस बाय की कॉल निकल के आ रही है। मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है। ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल। इसका मतलब वीकली लेवल पर भी सारे सिग्नल बुलिश बने हुए, तो बिना डरे निवेश करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, ये येस बैंक आपको मालामाल कर देगा। नजरिया कम से कम 2 से 3 साल का रख ले, ये स्टॉक डेफिनेटली इस बार कुछ बड़ा करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।